Hey guys, it's Janet, it's Kritleen. Welcome back to Sidhu Vlogs. So guys, बहुत लोगों ने बोला कि रूपोश का OST आ गया, उसके ऊपर रिएक्शन दो, तो आज हम उसके OST पे रिएक्ट करने वाले हैं. सो गाइज, इसके इमीडिएटली बाद हम इसके टीजर पे भी रिएक्ट करने वाले हैं राइट नाउ, बट दैट विल बी इन अ सेपरेट वीडियो. सो स्टे ट्यून्ड गाइस, लेट्स गो. जन्नत जी, अपी जन्नत इज रेडी. थोड़ा पागल दीवानापन टाइप्स. दिस लाइन, ये वाली लाइन मुझे सबसे अच्छी लगी है. आई थिंक बहुत ही अमेजिंग OST है. द लिरिक्स आर द बेस्ट पार्ट. जो लास्ट में लाइन्स इन्होंने बोली हैं, दे हैव माय हार्ट, तुम जो बोले तो तुझ पे जहां वार दूंगा, ऐसे वाले मुझे सही लगते हैं. आई जस्ट वॉन्ट टू सी कि क्या इसने फिरोज खान लेवल ऑफ तबाही इसमें मचाई होगी सीरियल फिल्म में कि नहीं.
सीरियल नहीं बोल सकते चाहे फिल्म में उस फिरोज खान लेवल की अगर तो तबाही मचाई है तो हम फैन है ऐसे आग वाग लगाई कुछ कुछ कर रहा था बोतलें फोड़ी नहीं कर रहा है ठीक है सर फोड़ रहा है कॉलेज 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 ही था ना कॉलेज ही कॉलेज के लड़कों का सर भी फोड़ रहा है तो हाँ मजेदार होगा आई थिंक काफी इंटेंस लव स्टोरी होगी उनकी बट आई थिंक कुछ ऐसा नहीं होगा चीटिंग वाइब्स नहीं होंगी इसने कुछ उसको बोल दिया होगा बंदी को किंजा हाशमी को क्योंकि वो इससे गुस्सा हो जाती है कोई मजबूरी वाइब्स रही होगी गुस्सा भी साथ में मजबूरी तो पता नहीं हाँ। बता देना गाइस मुझे ऐसा लगता है मेरा पर्सनल मानना है हाँ। कि ये उसको गंदे तरीके से बोला होगा कुछ और वो समझ गई होगी पागल कितना है उसूलों की होगी वो और उसको गुस्सा आ गया हाँ। उसको लगा होगा ये तो पागल लेवल का है वो लग ही रहे पागल लेवल का पर ओएसटी अच्छा था जो कोरस पे गाने ने टुक ऑफ किया ना कोरस का म्यूजिक भी चेंज हो गया था सही था वो वेरी नाइस हमें मुझे बहुत अच्छा लगा अभी हमें रूपोष का मतलब भी पता है कि मैं बिल्कुल गायब होकर आउट ऑफ साइट मैंने पढ़ लिया नीचे सो गाइस दिस वाज आवर रिएक्शन वी रियली होप दैट यू लाइक्ड इट इफ यू डिड तो इस वीडियो को लाइक कर दो उस पर बहुत सारे कमेंट्स कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना सो गाइस दिस इज सिद्धू व्लॉग्स साइनिंग ऑफ वी लव यू गाइस